हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग. वेलकम टू फिनिक्स इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड वेलकम बैक टू अवर सेशन चिल्ड्रेन. सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल एंड आई होप योर हेल्थ इज ऑल्सो गुड. यू आर मिसिंग अवर क्लास और नॉट? यस. सो चिल्ड्रेन, व्हाट वी हैव डन, टेक आउट हियर टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज and take out page number 22, children, okay? We have already started a lesson, right? Our lesson name was water. What is our lesson name? Water. What do you mean by the water I said you? Water is nothing but it is a very common thing, right? That we use in our daily life. It's very common. That is water. Water means pani, children, right? And we need water to live. हमको जिंदा रहने के लिए water बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Animals also, plants also, and even human beings, all living things want water. हम सबको पानी चाहिए. Yes, to live. Without water, we cannot live, children. बिना water के हम जिंदा नहीं रह सकते. Okay? We are using water in many purposes, in many daily activities, right? In our daily life activities, we are using water. Okay? For doing so many works. Can you name that, children? Yes, we are using water for drinking, bathing, cooking, washing, cleaning, and putting out fire, swimming, and more drinking, bathing, and watering plants, irrigation, and all. We are using what? We are using water. ये सारे activities करने के लिए हमको water ज़रूरी है. Drink करने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, जब हम cook कर रहे हैं, पकाने के लिए, एंड जब बर्तन क्लीन करना हो तब क्लीनिंग यूटेंसिल्स के लिए एंड कुछ वॉशिंग करने के लिए एंड ऑल. वी वॉन्ट वॉट? वी वॉन्ट वाटर, चिल्ड्रेन. ओके, नाउ फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस वाटर? वॉट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, चिल्ड्रेन? हमको ये वाटर कहाँ से मिलता है? द सोर्सेज ऑफ वाटर, द मेन सोर्स इज नथिंग बट रेन. द मेन सोर्स इज रेन, रिवर, वेल्स एंड ऑल. फ्रॉम दिस वी कैन गेट वाटर. दिस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट learning from this one. Start from here, children. Okay, now from what are the sources of water I said you? River, rain and all. What will happen, children? That water will get filtered and we get that water for drinking. Okay, now every city has a water department. हर सिटी में क्या होता है चिल्ड्रन? वाटर डिपार्टमेंट होता है. ओके, कि वाटर का किस तरह से उसको सेंड करना है, किस तरह से हर एवरी ऑल ओवर सप्लाई करना है वाटर पूरे एरिया में. ओके, एंड उसको फिल्टर कहाँ पर करना है, वो कहाँ से लेना है, उसको किस तरह से वाटर में भेजना है, ऑल दिस विल टेक केयर बाय द डिपार्टमेंट, चिल्ड्रन. ओके, सो एवरी सिटी, हर सिटी में क्या होता है? वाटर डिपार्टमेंट प्रेजेंट होता है. इट सप्लाइज वाटर टू ऑल द हाउसेस ऑफ दिस सिटी. सारे सिटी के हाउसेस को वो लोग क्या करते हैं? वाटर सप्लाई करते हैं, वाटर देते हैं. वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इज कलेक्टेड एंड क्लीन इन ह्यूज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. नाउ चिल्ड्रेन, वी आर नॉट कलेक्टिंग द वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्स एंड ऑल, राइट? हम डायरेक्टली रिवर्स से वाटर कलेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर किसी वेल एंड ऑल से. फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग वाटर? नाउ ए डेज वी आर गेटिंग द वाटर थ्रू द टैप्स प्रेजेंट इन अवर हाउसेस, राइट चिल्ड्रेन? सो वो सारा वाटर जो रेन रिवर से जो होता है, वो वाटर रिवर से एंड लेक से कलेक्ट होता है. उसके बाद में हम उसको वाटर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, दे विल क्लीन द वाटर. ओके, दे विल क्लीन एंड देन दे विल सप्लाई. द वाटर डिपार्टमेंट सेंड्स वाटर थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स टू द स्टोरेज टैंक. नाउ व्हाट द वाटर डिपार्टमेंट डू, चिल्ड्रेन? वाटर डिपार्टमेंट वो वाटर को कहाँ पर सेंड करते हैं? अंडरग्राउंड पाइप्स, ऐसे पाइप्स जो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है? ज़मीन में जो प्रेजेंट होते हैं, वो पाइप्स में वो वाटर को सेंड करते हैं. ओके, टू द स्टोरेज टैंक. नाउ वहाँ से कहाँ पर जा रहा है? लेक्स एंड रिवर से वो वाटर स्टोरेज टैंक में जाता है. ओके, द स्टोर्ड वाटर इज देन सप्लाइड टू द हाउसेस ऑफ द सिटी. अब जो स्टोरेज टैंक में वाटर चला गया, वहाँ पर फिल्टर हो जाएगा. देन आफ्टर दैट दैट वाटर विल बी सप्लाइड टू द हाउसेस ऑफ द सिटी. सिटी के हाउसेस को वाटर सप्लाई होगा. वी गेट वाटर इन आवर होम्स थ्रू टैप्स. नाउ हमको घर में कहाँ से मिलता है पानी? वी आर गेटिंग वाटर थ्रू टैप्स. जो टैप्स होते हैं ना, जो नल होते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं? वाटर को कलेक्ट करते हैं, चिल्ड्रेन. ओके, नाउ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. फॉर ड्रिंकिंग वी मस्ट हैव द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, राइट और रॉन्ग, चिल्ड्रेन? हमको ड्रिंक करने के लिए क्लीन वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमको साफ सुथरा पानी चाहिए फॉर ड्रिंकिंग. इफ़ यू डोंट ड्रिंक अ क्लीन वाटर, वॉट विल हैपन? वी मे कैन फॉल इल, चिल्ड्रेन. ओके, नाउ
द वाटर दैट रीचेस अवर होम इज़ नॉट टोटली क्लीन. जो वाटर हमको होम से मिलता है वो क्या होता है, टोटली क्लीन नहीं रहता, वो साफ़ नहीं होता है पानी, वो पीने के लिए प्रॉपर नहीं होता है. इट हैज़ टू बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. उसको क्या करना चाहिए, हमको सेफ करना, इट मीन्स उसमें के जितने भी जर्म्स एंड ऑल है उसको किल करना एंड उसको प्यूरीफाई करना, उसको फिल्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Boiling water kills germs in it. Now, how we can filter children after getting the water through our taps? टैप से water collect करने के लिए before drinking, पानी पीने से पहले हम उसको किस तरह से pure कर सकते हैं? We can boil the water. हमको water को boil करना है, okay? What do you mean by the boiling? उसको उबालना है. उससे क्या होगा? It kills germs children, okay? जितने भी germs होते हैं ना वो kills होते हैं, उसमें मर जाते हैं सारे germs and bacteria and all. Filtering water removes impurity like sand and ग्रेवल. सो वाटर को फिल्टर भी करते हैं, राइट? सो वो फिल्टरिंग से क्या होता है, सारे जो इम्प्यूरिटीज़ होते हैं, जो सैंड है, ओके, जो रेत होती है ना पानी में, अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है हमको. अंडरग्राउंड मीनिंग ज़मीन से वाटर हमारे स्टोरेज टैंक में जा रहा है, टैंक से हमको टैप से मिल रहा है. सो वहाँ पर जो सैंड एंड ऑल है वो शायद मिक्सड हो जाएगा और स्मॉल स्मॉल स्टोन्स एंड ऑल विल बी मिक्सड अप्ड. Water can also be purified by using a water purifier that kills germs using ultraviolet rays. Now here water और हम किससे purify कर सकते हैं, purifier बोलेंगे the materials or else what we can use here, the containers which purify the water, that is nothing but here the purifier. उसको purifier बोलेंगे जो water को purify करता है, okay? So using a purifier also, by using it we can clean the water that kills germs using ultraviolet rays. So if we follow these, so अगर हम इसको follow करेंगे तो turn the page children, please come to the next, turn up and come to the page number 24 children, okay? If we follow these measures we can keep ourselves away from the diseases like jaundice, cholera, typhoid, etc. If we follow this, अगर हम follow करेंगे, water को filter करेंगे and water को boil करेंगे and then if we drink, means what we can do children, हम अपने आप को सेव रख सकते हैं किससे, कई सारे diseases से, जैसे jaundice है, जो इरखान बोलते हैं ना, our parents they usually call this name jaundice, someone is suffering with the jaundice and all, okay? So that is nothing but इरखान children, okay? Jaundice and cholera and typhoid, ये सारे diseases से हम क्या हो सकते हैं, सेव रह सकते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द वाटर एक्चुअली, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर वी हैव टू सी चिल्ड्रन, ओके. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आर एज फॉलो. वाटर डजेंट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन. वाटर के पास क्या है चिल्ड्रन, उसका कोई एक शेप नहीं है, राइट? इफ़ यू पुट इन अ ग्लास एंड कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर दैट विल बिकम्स अ शेप ऑफ ए ग्लास, राइट? अगर हम वाटर को ग्लास में डाल के फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में, तो क्या हो जाएगा, वो ग्लास शेप में बन जाएगा. आप एक बॉल में डालकर बना दो, दैन इट बिकम्स अ शेप ऑफ बॉल, राइट? इफ़ यू पुट इट इन अ आइस क्यूब ट्रे दैन इट विल बी ऑफ दैट शेप ओनली. सो वाटर डजेंट हैव अ परमानेंट शेप, उसके पास कोई शेप नहीं है, वाटर का अपना कोई शेप नहीं है चिल्ड्रन, ओके. शेप डू यू, व्हाट डू यू मीन बाई द शेप चिल्ड्रन, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पॉर्ड. वो जिसमें हम उसको डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा. अगर आप ग्लास में डालकर रखो, इट टेक्स द शेप ऑफ अ ग्लास. अगर आप उसको एक जग में डालिए, इट शेप टेक्स द शेप ऑफ ए जग. इफ़ यू कीप इन अ आइस क्यूब ट्रे दैन इट विल बिकम सेम लाइक दिस. सो द वाटर डजेंट हैव अ परमानेंट शेप चिल्ड्रन, ओके. उसका कोई शेप नहीं है. इट इज ओडरलेस. व्हाट डू यू मीन बाय द ओडरलेस चिल्ड्रन? ओडर इज नथिंग बट हियर देयर इज नो स्मेल, ओके. इज ओडर इन द सेंस स्मेल. सो वाटर का कोई स्मेल नहीं है. इफ़ यू स्मेल द वाटर डू यू फील एनी काइंड ऑफ ए ओडर ओवर देयर? नो वी डोंट फील, ओके. सो इट इज़ ए ओडरलेस. इट इज़ ए कलरलेस. वाटर का कोई कलर भी नहीं है चिल्ड्रन, ओके. इट इज़ ए शेपलेस, इट इज़ ए ओडरलेस. इट मीन्स इट इज़ ए स्मेललेस एंड इट इज़ ए कलरलेस एंड इट इज़ टेस्टलेस ऑल्सो. वाटर डजेंट हैव अ टेस्ट ऑल्सो. सो वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर? द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर इज नथिंग बट इट इज़ ए शेपलेस, डजेंट हैव अ शेप, डजेंट हैव अ ओडर एंड डजेंट हैव अ कलर एंड अ टेस्ट ऑल्सो, ओके. नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नाउ चिल्ड्रेन वी हैव ऑब्जर्व दैट डू यू यू ऑल नो दैट वॉट इज़ अ रेन, राइट? वॉट इज़ अ रेन? जो बारिश होती है, ओके. अब इसको किस तरह से हमको सही से इस्तेमाल करना है? मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू चिल्ड्रन, दे जस्ट अलाउ द रेन टू रन ऑफ, राइट? हम रेन को अलाउ कर देते हैं कि वो बहते जाता है, रेन का वाटर भी. एक्चुअली द रेन वाटर इज़ ओनली द सोर्सेस ऑफ वाट? सोर्सेस ऑफ आवर ड्रिंकिंग वाटर. हमारे ड्रिंकिंग वाटर का मेन सोर्स दैट इज़ नथिंग बट
रेन वाटर ओनली. सो वी शुड कंजर्व द रेन वाटर. हमको रेन वाटर को भी बचा के रखना है. सो व्हाट आर द मेजर्स वी कैन टेक टू सेव द रेन वाटर, वी विल सी हियर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ ए वेरी पॉपुलर मेथड फॉर कंजर्विंग एंड रिसाइकलिंग वाटर. एक बहुत ज़्यादा प्रॉपर एंड वेरी पॉपुलर मेथड है कंजर्व करने के लिए, रेन वाटर को बचाने के लिए, एंड वही वाटर को यूज़ कर सकते हैं हम. ओके, इट मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज़. हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं. ओके, उसको जैसे ही वो रेन हो रहा है हम उसको स्टोर कर सकते हैं एंड फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, टू स्टोर द रेन वाटर अंडरग्राउंड टैंक्स आर मेड. सो वाटर को, रेन वाटर को स्टोर करने के लिए क्या बनाते हैं, मोस्टली द पीपल मेक्स वॉट, अंडरग्राउंड टैंक्स बनाते हैं. ओके, वाटर रीचेस इन दीज टैंक्स थ्रो पाइप्स. और वो पाइप्स में कैसे जाता है वाटर, थ्रो पाइप्स. जो पाइप्स बने हुए हैं उस पाइप से रिलेटेड से वाटर क्या होता है, टैंक्स में चला जाता है. वाटर इज़ प्रीशियस. वाटर इज़ वेरी प्रीशियस चिल्ड्रेन. वी मस्ट यूज़ इट केयरफुली. हमको उसको बहुत अच्छे से केयरफुली संभाल के रखना है एंड यूज़ भी प्रॉपरली करना है. वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट. वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर. हमको वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, एंड वॉट आर द मोर मेथड्स चिल्ड्रेन बाई विच वी कैन सेव कंजर्व अवर वाटर. वी कैन मेक सम वॉट यू कैन से सम कैनाल्स वी कैन मेक, एंड हम छोटे से वेल बना सकते हैं. एक वेल भी तो बना सकते हैं ना, जहाँ से रेन आएगा एंड वो वेल में जमा हो जाएगा. ओके, एंड जब वो वेल का वाटर हमको यूज़ करना होगा तब वी कैन यूज़, राइट. वी कैनॉट यूज़ द वेल वाटर फॉर द ड्रिंकिंग डायरेक्टली. हम डायरेक्टली उसको ड्रिंक करने के लिए, उसको पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. बट वॉट वी कैन यूज़, वी कैन यूज़ दैट वाटर टू वाटर द प्लांट्स एंड टू गिव दैट वाटर टू एनिमल्स. वी कैन यूज़ इट चिल्ड्रेन. ओके, वाटर इज़ वेरी प्रीशियस. वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, हमको उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, वी हैव ऑब्जर्व नो सम टाइम मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो. कुछ चिल्ड्रंस क्या करते हैं, वैन दे वर्क अप इन द मॉर्निंग दे टेक द ब्रश फॉर दे वैन दे डू द ब्रशिंग एंड ऑल. सो वट दे डू चिल्ड्रन, दे कीप द टैप ओपन, राइट. वो टैप को ओपन रख देते हैं एंड ब्रशिंग करते हैं. सो इससे क्या होगा कि हमारा कई सारा वाटर वहाँ पर वेस्ट हो जाएगा. सो वी शुड नॉट, वैन वी विल बी डूइंग द ब्रशिंग वी शुड जस्ट क्लोज द टैप चिल्ड्रन. ओके, वेन एवर इट इज़ नेसेसरी देन ओनली ओपन एंड देन क्लोज द टैप्स. ओके, वी मस्ट यूज़ द वाटर इन अ वेरी प्रॉपर वे. नाउ एवरी वन कम टू अवर होमवर्क. दिस इज अवर होमवर्क ऑफ 12th October चिल्ड्रेन. दिस इज द होमवर्क ऑफ वॉट, 12th October. ओके, यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर वन टाइम इन योर नोट्स. ऑलरेडी वी हैव कम्प्लीटेड द हार्ड वर्क चिल्ड्रेन, राइट. सो वी हैव टू कम्प्लीट अवर क्वेश्चन एंड आंसर. वट इज़ अवर क्वेश्चन एंड आंसर हियर. फर्स्ट वन, वट इज़ द क्वेश्चन, राइट डाउन एनी फाइव यूजेस ऑफ वाटर. कोई फाइव यूजेस ऑफ वाटर लिखना है. सो वट वी कैन राइट, फर्स्ट वन, ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग. दिज आर अवर यूजेस ऑफ वाटर, राइट. वी आर यूजिंग द वाटर इन दिस फाइव एक्टिविटीज. वट इज़ अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर किसको बोलेंगे हम, द वाटर बिलो द ग्राउंड. अंडरग्राउंड बाई नेम इट्स वी कैन अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन. ओके, वाटर बिलो द ग्राउंड और सर्फेस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. ग्राउंड के नीचे या फिर सरफेस के नीचे जो भी वाटर प्रेजेंट होता है अपने ज़मीन के अंदर उसको हम बोलेंगे अंडरग्राउंड वाटर. नेम थ्री सोर्सेस ऑफ वाटर. वाटर के हमको सोर्सेज बताना है. वॉट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर. हमको वाटर कहाँ से मिल रहा है. मेन सोर्स इज रेन, रिवर एंड नेक्स्ट वन इज नथिंग बट हियर ग्राउंड वाटर. फोर्थ वन, हाउ इज़ वाटर मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग. वाटर को किस तरह से फिट है, इट मीन्स व्हेन वी आर मेकिंग द वाटर वेरी क्लीन एंड फ्रेश फॉर द ड्रिंकिंग चिल्ड्रेन. आफ्टर परकोलेशन वाटर गेट्स फिल्टर्ड सो इट मेक्स वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग. जब वाटर पूरा जमा हो जाता है तब उसको फिल्टर करते हैं, उसके बाद वाटर बहुत ही क्लीन हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए. राइट डाउन थ्री, द थ्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. वाटर के थ्री प्रॉपर्टीज़ लिखना है. वी हैव नो चिल्ड्रेन, वी हैव फोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर. इट इज़ ए शेपलेस, इट इज़ ए ओडरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस. सो वी हैव टू राइट एनी थ्री प्रॉपर्टी. वी आर राइटिंग ओडरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस. वो ओडरलेस है, उसमें कोई स्मेल नहीं है. कलरलेस है, कलर भी नहीं है उसका एंड टेस्टलेस है. कलर क्यों नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज हम चिल्ड्रन उसका परमानेंट कलर नहीं है. अगर आप उसमें ऑरेंज कलर कुछ मिला दो दैट विल बिकम ऑरेंज जूस. अगर उसमें पिंक कलर कुछ मिला दो इट विल बिकम अ पिंक कलर, राइट.
If you put something chocolate, so it will become water, brown color, so the water doesn't have a color also, okay, and tasteless, children, okay. So all this answer you have to write one time in your notes and keep it ready and try to learn our first answer. Write down 5 uses of water, okay. So with this we have completed our lesson. You complete it and keep it ready and try to learn the first answer, okay. So I'll be back with the next video. Till then, take care and have a nice day, everyone. Bye.